हेलो फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड हिमांशु बर्ग आज फिर एक न्यू वीडियो लेके आया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990 ये कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे कि इससे पहले की वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर आधे से ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, इकोनॉमिक्स मतलब मिक्स इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, 5-year plan, मतलब आधे ज़्यादा चैप्टर मैं आपको उन वीडियो में दे चुका हूँ। सो प्लीज़ आप इस वीडियो से पहले उन दोनों वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर में अब अपने सॉरी इस वीडियो में अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब भाई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है क्या? तो देखो भाई, द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब भाई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया है, ये डेवलप कब होगी? जब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा होगा। देखो, इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। भाई मान लो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर है और हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग बाग जॉब करते हैं या जो लोग बाग अपनी एग्रीकल्चर करते हैं मतलब अपनी खेती बाड़ी करते हैं, तो उनका काम कितना होता है भाई? 6 से 9 महीने का। कितना काम होता है? 6 से 9 महीने का, obviously। और जो इंडस्ट्रियल है यार, उसमें तो 12 महीने काम चलता है, 12 months। तो आप सोचो, फायदा आपको एग्रीकल्चर में होगा या इंडस्ट्रियल में होगा? obviously इंडस्ट्री में, क्योंकि आपको 12 महीने की सैलरी मिलेगी, यहाँ आपको 6 से 9 महीने की सैलरी मिलेगी। तो इसलिए बेनिफिट हुआ हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। तो देखो भाई, अब आते हैं अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ही कि भाई रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है इंडस्ट्री को डेवलप होने में? तो देखो भाई, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। भाई देखो, सिंपल सी बात है, पहले के जो लोग थे उनके पास पैसा ज्यादा नहीं था, तो प्राइवेट कौन हुआ? गवर्नमेंट से जो दूसरे होते हैं, मतलब आम जनता, दैट इज प्राइवेट, ठीक है। तो भाई आप सोचो, प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल की कमी थी, प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल की कमी थी, तो सारा का सारी जो इंडस्ट्री का कंट्रोल था वो था पब्लिक सेक्टर के ऊपर, ठीक है। उस टाइम में इंडिपेंडेंस के टाइम पर सिर्फ दो थे हमारे एंटरप्रेन्योर प्राइवेट वाले, टाटा और बिरला, ठीक है, जिनके पास पैसा था, जिनको हम बोल सकते थे हाँ भाई ये इट इज एंटरप्रेन्योर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास इंसेंटिव कम थे, क्यों भाई? आप सोचो, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, जगह चाहिए। अब प्राइवेट सेक्टर के पास ना तो पैसा है, ना रॉ मटेरियल है, ना जगह है, तो इंसेंटिव की कमी थी प्राइवेट सेक्टर के पास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अब भाई पब्लिक सेक्टर का काम क्या होता है? सोशल वेलफेयर। तो इनका एक ये ऑब्जेक्टिव था कि भाई हमें सोशल वेलफेयर करना है। इट इज क्लियर? तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। कुछ याद करना पड़ा? नहीं, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को इसी बात पे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने आगे टॉपिक की। तो देखो भाई, अभी हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। अब भाई इंडस्ट्री में जैसे हमने कुछ, हमें इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर कुछ चाहिए था, ठीक है। बट हमारे यहाँ की जो पॉलिटिक्स थी वो हमको अलाउड नहीं कर रही थी, मतलब वो अपनी कह रही थी और हम अपनी कह रहे थे। तो उसके जरिए, मतलब उसके चलते हुए क्या हुआ, हमने एक पॉलिसी का, 31 अप्रैल 1956 को हमने एक पॉलिसी के लिए रिजोल्यूशन बनाया, जिस रिजोल्यूशन में हमने इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर दिया, इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर दिया, जिसके अंदर हमने इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया 3 पार्ट के अंदर, Schedule 1, Schedule 2, and Schedule 3। तो देखो भाई, अब हम देखते हैं अपने Schedule 1 को। Comprises of industries exclusively owned by state। मतलब हमारी जो Schedule 1 के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज आएंगी वो ऑन करेगा स्टेट, मतलब उस इंडस्ट्री को चलाएगा स्टेट, ठीक है। सेकेंड, Schedule 2 comprises of 12 industries which would be progressively state owned। मतलब शेड्यूल बी के अंदर हमने 12 टाइप की इंडस्ट्रीज डाल दी कि भाई ये स्टेट ऑन करेगा, स्टेट चलाएगा, ठीक है। शेड्यूल सी comprises of remaining industry which were to be in the private sector। मतलब जो remaining industries बची थी वो हमने private sector को दे दी कि लो भाई तुम भी थोड़ा सा ले लो। भाई सिंपल सी बात है, स्टेट यहाँ पर जो स्टेट आया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गवर्नमेंट,
ठीक है, तो कुछ हमने गवर्नमेंट को दे दी, कुछ हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दी, ये बात क्लियर है। चलो तो हम चलते हैं अपने वीडियो में आगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भाई इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब भाई सिंपल सी बात है, कोई भी अगर हम इंडस्ट्री चला रहे हैं या इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए लाइसेंस। क्या चाहिए? लाइसेंस। तो देखो भाई इंडस्ट्रियल लाइसेंस होता क्या है, सबसे पहले वो समझाऊंगा मैं आपको। एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन, ये एक रिटन परमिशन होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से मिलती है टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। मतलब किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए हमें रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सिंपल सी बात थी, कोई हार्ड फिगर डेफिनेशन नहीं। तो इस बात पे एक लाइक बनता है। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को यार लाइक कर दे करो, मुझे सपोर्ट मिलता है, मैं मोटिवेट होता हूँ जिससे कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊं, तो वीडियो लाइक कर देना। द इंडस्ट्रीज एक्ट 1951, अब ये एक एक्ट आ गया इंडस्ट्री का, ठीक है। इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 इम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर, मतलब हम जो लाइसेंस क्या करते हैं इशू करते हैं वो किसके रिप्रेजेंट में करते हैं। देखो भाई सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्री, मान लो मुझे नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो मेरे को लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, मान लो मेरी इंडस्ट्री है वो छोटे लेवल पे है, ठीक है, मैं उसको बड़ा करना चाहता हूँ, एक्सपेंशन करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये फ्रेंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट होता क्या है, मान लो मैं पहले तो काम कर रहा था किसी और प्रोडक्ट पे, अब मैं काम करना चाहता हूं दूसरे प्रोडक्ट पे। डाइवर्सिफाई मतलब चेंज होना, इंडस्ट्री को चेंज होना, प्रोडक्ट हमने चेंज कर दिया, तो इन तीन चीजों के लिए हमें लाइसेंस चाहिए था। दैट इज क्लियर, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर फ्रेंड समझ में ना आया हो प्लीज या तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में समझा दूंगा, या फिर आप वीडियो को पीछे करके समझ लेना, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस आपका एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और हम चलेंगे अपनी वीडियो में आगे। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारे सामने आता है एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम शॉर्ट फॉर्म में SSI बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है उसकी बात करेंगे सबसे पहले हम। इट इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ अ यूनिट। मतलब ये किसके रेफरेंस में बात करती है, इन्वेस्टमेंट के, किसके रेफरेंस में, देखो रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई इंडस्ट्री है वो इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, मतलब मैक्सिमम उन्होंने दे दिया, अगर इससे ज्यादा करेगी तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। दिस लिमिट हैज चेंज फ्रॉम ₹5 लाख इन 1950। अब फ्रेंड्स ये लिमिट चेंज हो गई है, 1950 में ये लिमिट थी 5 लाख और अब ये लिमिट 1 करोड़ कर दी गई है, ठीक है। मतलब जिस अब जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी अगर उसकी 1 करोड़ से कम होती है या 1 करोड़ होती है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आएगी। दैट इज क्लियर, ओके। तो चलो फ्रेंड्स अब हम इसी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो देखो भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब भाई सीधी सी बात है, मान लो किसी के पास, किसी ने अपनी जो फॉर्म है उसके अंदर 10 करोड़ रुपए लगाए तो उसने अपनी इन्वेस्ट कर ली, ठीक है। तो भाई 10 करोड़ रुपए कोई बंदा लगाएगा तो वो किसी गाँव वगैरह में तो लगाएगा नहीं, अच्छा सा इलाका देखेगा बढ़िया सा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो मेनली होती है वो होती है हमारे रूरल एरिया में, रूरल एरियाज मतलब गांव वगैरह में, ठीक है ना। तो क्या होता है भाई छोटी छोटी इंडस्ट्री लोग लगा लेते हैं अपना, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। भाई सीधी बात है जब कोई भी इंडस्ट्री लगी सेटअप हुई है तो उसके अंदर काम करने वाले वर्कर भी चाहिए, ठीक है। और ये जो होती है ये कौन सी टेक्निक यूज करती है, ये करती है फ्रेंड्स LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब मोर लेबर और कैपिटल कम, मोर लेबर और कैपिटल कम, ठीक है। सेकंड पॉइंट नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स, अब इनको क्या होता है यार प्रोटेक्शन की जरूरत होती है बिग फर्म से, क्यों यार आप सोचो मान लो इन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब इनका प्रोडक्ट वो नहीं बिका तो जो बिग फर्म्स होती हैं उनको सप्लाई कर देते हैं अपना प्रोडक्ट कि जी तुम्हारा तो बिक ही रहा है हमारा भी बेच दो, ठीक है। अब भाई कोई भी है मान लो आपकी कोई दुकान है आपके कोई सामान नहीं बिक रहा तो हो सकता है आपसे वापसी करेगा कि भाई मेरा ये नहीं बिक रहा, तो ऐसा ही ये करते हैं। अगर मान लो इनका कोई सामान नहीं बिक रहा तो ये बड़ी बड़ी जो हमारी वो होती हैं कंपनी या फर्म उनसे ये कॉन्टेक्ट करके रखती हैं, ठीक
ठीक है, तो ये तो था फ्रेंड्स आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम चलेंगे अपनी वीडियो में अब आगे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, अब देखो ये दो वर्ड से मिलके बना है। ट्रेड क्या होता है भाई? बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड हमने पढ़ रखा है बिजनेस स्टडीज में, आपको याद हो तो, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन। लेकिन हमें करनी क्या है ट्रेड फॉरेन से, मतलब बाहर की कंट्रियों से लेन देन करना है, परचेज से। ठीक है चलो, तो देखो भाई फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंक्लूड्स ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू एंड फ्रॉम इंडिया। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, क्या फॉरेन ट्रेड में इंक्लूड होता है? सारे इंपोर्ट, सारे एक्सपोर्ट जो कहां से कहो टू एंड फ्रॉम इंडिया, मतलब टू इंडिया फ्रॉम इंडिया। ठीक है तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट मतलब माल आया, एक्सपोर्ट करना मतलब माल भेजना। तो फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ भाई, हम गुड्स को बाहर भेजते हैं और गुड्स बाहर से लेते हैं, बस। बाहर से कहाँ से? अदर कंट्री से, इंडिया को छोड़कर। इट इज क्लियर? चलो अब फ्रेंड फॉरेन ट्रेड में ही दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो भाई ट्रेड पॉलिसी, अब हमने इसके अंदर क्या ट्रेड पॉलिसी बनाई थी? तो देखो भाई इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमारा इसके अंदर मेन पॉइंट है। हमने क्या एक पॉलिसी बनाई थी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब हम समझते हैं इसको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। सॉरी फ्रेंड्स, इट रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर हम रिप्लेस करते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं इंपोर्ट्स ऑफ इंपोर्ट्स का बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, हमने अपने यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था, उसको हम क्या कर रहे थे, इम्पोर्ट। उसको क्या कर रहे थे हम, इम्पोर्ट। किससे? रिप्लेस करके, या तो उस सामान को या उसका सब्स्टिट्यूट निकाल के। ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट थ्रू टैरिफ एंड कोटास। अब फ्रेंड्स ये टैरिफ और कोटास क्या है, मतलब हम इम्पोर्ट को इससे क्या करते हैं भाई, प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है देखो टैरिफ क्या होता है, इट रेफर्स टू टैक्सेस लेविड ऑन इम्पोर्ट गुड्स। अब ये लेविड क्या होता है भाई, लगाना, मतलब टैक्सेस हमने लगा दिए इंपोर्ट गुड्स, जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, हैवी टैक्सेस लगते हैं। ठीक है ये क्यों लगाए गए यार, आप सोचो अगर टैक्सेस वगैरह नहीं होंगे तो हर बंदा अपना माल बाहर भेज सकता है, तो माल कौन भेजेगा अपना बाहर, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, इसलिए कुछ यहाँ पर टैरिफ हमने लगा दिए, टैक्सेस है ना। नेक्स्ट पॉइंट कोटास। अब ये कोटास क्या है, इट रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन द इंपोर्ट ऑफ अ कॉमोडिटी बाय अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। मतलब एक लिमिट दे दी हमको कि भाई जो तुम अपनी कॉमोडिटी दे रहे हो ना, जो तुम इंपोर्ट कर रहे हो उसकी एक लिमिट है, इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। इट इज क्लियर? तो फ्रेंड्स ये था आपका फॉरेन ट्रेड, प्लीज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया। ठीक है तो फॉरेन ट्रेड भी आपका यहाँ पर खत्म हो गया और हाँ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो होगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ओके फ्रेंड्स तो मिलते हैं।